Hello student, good morning all of you. Today I read social study class 2nd lesson 1. इसका नाम है family. Family means परिवार. कोई भी व्यक्ति सभी का एक परिवार होता है और परिवार जीवन में बहुत ही आवश्यक है क्योंकि बिना परिवार के कोई व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। अवर फैमिली इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा परिवार। बिना परिवार के हम अधूरे। हमारे परिवार में जब बहुत सारे लोग, मम्मी पापा भाई बहन बच्चे ये रहते हैं तो हम अपनी लाइफ अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाते हैं, एक दूसरे का सहयोग कर पाते हैं। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ पेरेंट एंड देयर चिल्ड्रन। यह मुख्य रूप से माता पिता और उनके बच्चों से बनता है और उनके जो बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं, ये सब मिलकर परिवार बनाते हैं। इस लेसन में फैमिली को तीन भागों में बांटा गया है। फैमिली मीन्स परिवार और इसको हम तीन भाग में बांट सकते हैं। सबसे पहला आता है न्यूक्लियर फैमिली। तो हम पहले जानेंगे न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है। पेरेंट एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर आर कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। वह परिवार जिसमें माता पिता और माता पिता के साथ साथ एक या दो बच्चे होते, तो ऐसे परिवार को हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। अब न्यूक्लियर फैमिली में भी दो फैमिलियां, दो कैटेगरी बनाई गई है, एक स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली और एक बिग न्यूक्लियर फैमिली। स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली किसे कहते हैं, जिसमें मम्मी पापा एक या दो बच्चे होते हैं, ऐसे फैमिली को स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं और यह एक हैप्पी फैमिली भी कहलाती है। अब आता है नंबर टू, बिग न्यूक्लियर फैमिली। इस बिग न्यूक्लियर फैमिली में फादर मदर मोर देन टू चिल्ड्रन, एक से दो या इससे ज्यादा बच्चे होते हैं, इसे बिग न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। इस तरह से यह न्यूक्लियर फैमिली कहलाता है। नंबर दूसरा पॉइंट आता है जॉइंट फैमिली, सम्मिलित परिवार। इसमें पेरेंट्स तो होते ही हैं, फादर मदर, उसके साथ साथ ग्रैंड पेरेंट दादा दादी भी होते हैं और उसमें अंकल आंटी भी होते हैं और उनके बच्चे भी। तो इस तरह से यह परिवार जो बनता है उसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं, सम्मिलित परिवार। अब थर्ड टॉपिक आता है सिंगल पेरेंट फैमिली। इस फैमिली में केवल एक ही पेरेंट होता है, चाहे वो मदर हो चाहे फादर हो, किसी कारणवश वो सिंगल हो जाते हैं, एनी हैपनी, तो उसमें चाहे वो मदर हो चाहे फादर हो।
रिश्तेदार हमारे पेरेंटल होते हैं अर्थात फादर मदर से संबंध रखते हैं, कुछ हमारे दादी बाबा के संबंधी होते हैं संबंध रखते हैं, और कुछ दूर के रिश्तेदार भी होते हैं। तो ये सभी भी हमसे संबंध रखते हैं, हमारे किसी भी फंक्शन में शामिल होते हैं, किसी भी समस्या में हमारी मदद करते हैं। तो ये हमारे रिलेटिव्स प्रेम दिखाता है बल्कि एक दूसरे को सम्मान भी देता है। वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट अवर फैमिली मेंबर इन एवरी मैनर, इसलिए हमें हर किसी को हर तरीके से फैमिली वालों का सम्मान करना चाहिए, कहना मानना चाहिए और उनके साथ सुख दुख में सम्मिलित होकर एक साथ बिना झगड़े के रहना चाहिए। और इस तरह से ये आपका लेसन समाप्त होता है। इस लेसन को आप पढ़ेंगे और याद। थैंक यू।